हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नौकरी निकल रही है वो राजस्व ग्राम पंचायतों से निकल रही है। आपके नज़दीक जो राजस्व ग्राम पंचायत है उनसे वैकेंसीज आपको मिल रही है। और इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। यदि आप राजस्व ग्राम पंचायत में ये जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या राजस्व ग्राम में ये जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कम से कम 10वीं पढ़े लिखे होना अनिवार्य है। और इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे और यहाँ ग्राम जो सहायक है उनकी वैकेंसी आपको यहाँ मिलेगी। ये पहले आपको संविदा पे मिलेगी, इसके बाद इसमें आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। लेकिन फाइनली जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ उसमें यही कहा गया है कि ये एक जो वैकेंसीज है वो संविदा पे आधारित होगी। तो इसमें आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो इस वीडियो पे बने रहें, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि किस राज्य से, किस ग्राम पंचायतों से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो कंटिन्यू इस वीडियो पे बने रहें, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज आपको मिल रही है। बेसिक जानकारी हिंदी में दिखाएंगे और इसके बाद लोकल लैंग्वेज में नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि राजस्व विभाग ने ग्राम सहायक के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। तो ये वैकेंसी जो है राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको मिल रही है और यहाँ आपको ग्राम सहायक की पोस्ट मिल रही है। और इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ विज्ञापन संख्या आपको बताया गया है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर जो आपको बताए गए हैं वो है, इसके रहने वाले हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, 15,239/2020 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो ये इसका विज्ञापन संख्या हो जाता है। इसके साथ आपको पोस्ट नेम फिर से बताई है कि आपको कौन सी पोस्ट यहाँ मिल रही है। तो यहाँ ग्राम असिस्टेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है, यानी ग्राम सहायक की वैकेंसीज आपको मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सहायक होता है। वो जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके डाटा कलेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियां जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है ग्राम सहायकों की पोस्ट के लिए होती है या उनके वर्क्स होते हैं। और इसके साथ बात करेंगे वेतनमान की, तो वेतन यहाँ आपको बताया था कि स्तर 3 के अनुसार इसमें आपको वेतन मिलेगा। लेवल आपका जो रहने वाला है वो 3 लेवल रहने वाला है। तो शायद इसमें 35,000 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगा, वो हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे या आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता आपकी रखी गई 10वीं पास। ये पहली भर्ती प्रक्रिया है जो 10वीं पास के लिए निकल रही है, नहीं यहाँ 12वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी जाती है। यानी ग्राम सहायक की पोस्ट के लिए प्रत्येक यदि राज्य की हम बात करें तो 10वीं पास की कोई वैकेंसी नहीं आती, लेकिन ये जो वैकेंसी निकल रही है वो 10वीं पास के लिए निकल रही है। ये शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं पास है, अन्य राज्यों में ये 12वीं पास रखी जाती है, लेकिन हम आपको जो ये जॉब बता रहे हैं यहाँ जो 10th पास रहने वाली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसी के साथ बात करेंगे आयु सीमा आपकी, इसमें बताइए कि 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच यदि आपकी उम्र है तो इसका आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ साथ ग्राम सहायक की पोस्ट के लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फीस इसकी यदि हम बात करें एग्जाम फीस की, इसमें एग्जाम तो आपकी एग्जाम नहीं होगी, केवल आपको इंटरव्यू बेसिस या मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ किसी प्रकार का आवेदन फीस यहाँ नहीं देना होगा, यानी कि फॉर्म फीस भी आपका यहाँ फ्री रहने वाला है, एग्जाम फीस भी फ्री रहने वाला है। इसके साथ बात करेंगे आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से कर सकते हैं। यानी कि विभागीय हार्ड कॉपी जो है संबंधित जो राजस्व ग्राम है उसमें आपको भेजनी है, तो यहाँ ये इसमें विशेषकर बताया गया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से ये फॉर्म अप्लाई होगा। बात करेंगे चयन की, तो चयन यहाँ केवल आपका इंटरव्यू आधारित बताया गया है, लेकिन इसमें मेरिट बेसिस पे ज़्यादातर सिलेक्शन होते हैं, यानी कि मेरिट बेसिस निकाली जाती है और यहाँ आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। और इसका जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर 2020 है। 20 नवंबर 2020 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कार्यस्थल क्या रहने वाला है, शिवगंगा तमिलनाडु, ये राजस्व ग्राम है शिवगंगा तमिलनाडु से, उनसे ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं अपने राज्य का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके राज्य की गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दे। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक राज्यों की गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।